सो गाइस, मूवमेंट यहाँ पे दो तरह की होती है। एक होता है हमारा शॉर्ट जिगल, एक होता है हमारा लॉन्ग जिगल। शॉर्ट जिगल आपने देखा होगा कि जोनाथन यूज करता है बहुत ही ज्यादा, और आपने लॉन्ग जिगल में देखा होगा मवी को किस तरह से वो यूज करता है और कितनी ज्यादा प्यारे हेडशॉट तो कनेक्ट करता है। लेकिन दोनों ही प्लेयर का हेडशॉट लेवल इतना ज्यादा एक्यूरेट कैसे है, दोनों का एम इतना ज्यादा एक्यूरेट कैसे है, हालांकि जिगल अलग अलग करते हैं दोनों। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट में कैसे आप अच्छा कर सकते हो अपना जिगल, और लॉन्ग में जो मूवमेंट करते हो उसमें कैसे आप अपनी एक्यूरेसी ला सकते हो, या फिर क्या डिफरेंस है इन दोनों जिगल के बीच में। सो मेक श्योर करना वीडियो को पूरा एंड तक देखो, बिकॉज वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, शॉर्ट जिगल आप देख सकते हो कि इस तरह का कुछ दिखता है शॉर्ट जिगल, और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा शॉर्ट होता है, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा फास्ट मूवमेंट लगता है, और यहाँ पे इसको ट्रेस कर पाना मुश्किल होता है उन लोगों के लिए जो कि ट्रेसिंग नहीं कर पाते अच्छी तरह। लेकिन अगर आपकी ट्रेसिंग अच्छी होगी तो आप काफी अच्छी तरह से ये कर सकते हो। और ये जिगल जो है मोस्टली आपने देखा होगा जोनाथन को करते हुए, जो कि काफी ज्यादा क्लोज रेंज में बीस प्लेयर है। एंड लॉन्ग जिगल के बारे में बात करें जो कि मवी करता है, और काफी ज्यादा प्लेयर्स इसको यूज करते हैं जिनका क्लोज रेंज काफी ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मूवमेंट थोड़ी सी लंबी लगती है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड ज्यादा जाते हो एज कम्पेयर टू शॉर्ट जिगल जो होता है उसमें हम थोड़ी शॉर्ट और लिमिटेड मूवमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम काफी ज्यादा लॉन्ग जिगल करते हैं जिसको ट्रेस कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वही बात आ जाती है, कंडीशन अप्लाई हो जाती है, लेकिन अगर आपका एम अच्छा है तो आप इजीली इस जिगल को भी ट्रेस कर सकते हो। सो गाइस, अब आ जाता है मेन पॉइंट कि हमें कौन सा जिगल प्रेफर करना चाहिए, कौन सा जिगल प्रेफर नहीं करना चाहिए। सो गाइस, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, दोनों ही प्लेयर जो शॉर्ट जिगल यूज करते हैं या फिर हमारा लॉन्ग जिगल यूज करते हैं, उनकी आपने एक चीज नोटिस की होगी कि एम यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे जोनाथन शॉर्ट यूज करता है और मवी जो है लॉन्ग जिगल को यूज करता है, लेकिन दोनों का एम एक्यूरेट है, उनको कोई भी चोक देखने को नहीं मिलता एम के अंदर। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है आपकी ट्रेसिंग कितनी अच्छी है क्लोज रेंज के अंदर, और आपका गेम सेंस कितना ज्यादा अच्छा है क्लोज रेंज के अंदर। और अगर ट्रेसिंग की बात आ गई है तो ट्रेसिंग को किस तरह से अच्छा किया जाए उसके ऊपर मैं आपको तीन टिप्स या फिर चार टिप्स यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जो कि आप यूज करके गेम में इंप्लीमेंट करके काफी अच्छी तरह से अपनी ट्रेसिंग को कर सकते हो इम्प्रूव। सो गाइज, यहाँ पे नंबर वन पॉइंट के बारे में बात करूं तो कंसिस्टेंसी गेम के अंदर अगर आपकी है तो आपने देखा होगा कि आपका जॉयस्टिक के ऊपर आपका जो आपका क्रॉसहेयर होता है उसके ऊपर कितना ज्यादा कंट्रोल होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर गेम छोड़ के चले जाओगे तो आपका इस तरह से नहीं रहेगा, कंसिस्टेंसी आपकी नहीं रहेगी, तो आपका जो एम है वो भी अच्छा नहीं रहेगा। तो ये नहीं होगा कि आप आज छोड़ के जा रहे हो, कल खेलने जाओगे, फिर अगले दिन नहीं आओगे, तो इस तरह से इनकंसिस्टेंट रहोगे तो आपका एम अच्छा नहीं रहेगा। एंड इफ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, देन वो आ जाता है कि हमारा सिर्फ टीडीएम प्लेयर नहीं बनना है आपको, डोंट बी अ जस्ट टीडीएम प्लेयर, बिकॉज टीडीएम में लोग अपना 100% एफर्ट्स देते हैं, लेकिन स्क्रिम्स में, टूर्नामेंट्स में और बाकी सारे मैचेस में वो अपने क्लोज रेंज पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से उनको जो चोक हो जाता है गेम के अंदर काफी टाइम में। तो आपको जस्ट टीडीएम प्लेयर नहीं रहना, आपको हमेशा 100% देना अपने क्लोज रेंज में, चाहे वो टीडीएम हो, डोमिनेशन हो, स्क्रिम्स हो, या फिर हमारे टूर्नामेंट। एंड लास्ट पॉइंट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आ जाता है आपका डिवाइस एंड आपका कंट्रोल कितना आपके डिवाइस के ऊपर, वो सारी चीजें आ जाती है ओवरऑल, और आपका डिवाइस कितना अच्छा आपको कॉन्स्टेंट एफपीएस प्रोवाइड कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ये चीजें सारी मिला के इंपॉर्टेंट है गेम के अंदर। अगर आपकी ये चीजें अगर आपने ला ली अपने गेम के अंदर, आपने ये इंप्लीमेंट कर दी, तो आपका क्लोज रेंज नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, चाहे आप शॉर्ट जिगल करते हो या फिर लॉन्ग जिगल करते हो। सो गाइस, दैट वाज इट, आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, और साथ साथ चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर इसी तरह के शॉर्ट आप इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखना चाहते हो, डेली टिप्स देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो यहाँ पे डिस्कॉर्ड को भी आप लोग जाके ज्वाइन कर देना, बिकॉज वहाँ पे हमारा एक टूर्नामेंट आने वाला है टीडीएम का, जहाँ पे आपको प्राइज पूल भी देखने को मिलेगा, और आप लोग वहाँ पे बिल्कुल फ्री में पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। सो गाइस, मेक श्योर करना उधर भी जाके आप लोग ज्वाइन कर लेना। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट। ए गोरी गोरी गाल तेरी छाती।